फ्रेंड्स, वेलकम टू काजल ट्यूटोरियल्स। मैं हूं काजल सिंह। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि जैसे ही आप नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करेंगे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं, और आज का हमारा जीके टॉपिक है, आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर SSC CGL का पेपर 27 अगस्त का, टीयर फर्स्ट का एंड फर्स्ट शिफ्ट का। तो आज हम इंग्लिश के पार्ट पर डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, फोर वर्ड आर गिवेन आउट ऑफ विच ओनली वन वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड एंड क्लिक द बटन करस्पॉन्डिंग टू इट। यानी कि यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको जिस वर्ड की स्पेलिंग सही है उसको चूज करना है। तो आपका आंसर है, इसकी स्पेलिंग है CONNOISSEUR, यानी कि आपको जो सेकेंड ऑप्शन है वो सही है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे डेली वोकैब ट्रिक्स देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि हमने ये वर्ड ऑलरेडी डिस्कस किया था, कॉनिसियर, जिसकी मीनिंग होती है एक्सपर्ट या फिर मास्टर। चलिए आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। यानी कि आपको यहाँ पर वर्ड चूज करना है जो कि अपोजिट मीनिंग दे रहा है। तो हमारा वर्ड है यहाँ पर सूत। सूत की मीनिंग होती है शांत करना या फिर हल्का करना, और आरामदायक भी इसकी मीनिंग ली जाती है। तो आइए देखते हैं बाकी सभी वर्ड्स की मीनिंग। क्वेंच की मीनिंग भी होती है शांत करना, मिटिगेट की हल्का करना, एंड हील की भी मीनिंग होती है किसी को सांत्वना देना या फिर शांत करना, जबकि एजिटेट की मीनिंग होती है घबरा देना या फिर हलचल मचाना। तो आपको यहाँ पे अपोजिट चूज करना है, तो सूत का आंसर होगा आपका एजिटेट। तो आपका सही आंसर है एजिटेट। और आप इसे कैसे रिलेट कर सकते हैं, एजिटेट को आप इरिटेट से रिलेट कर सकते हैं। जो भी लोग इरिटेटिंग होते हैं वो हमें अक्सर घबरा देते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग। मतलब आपको यहाँ पे जितने वर्ड्स दिए गए हैं उनमें से आपको वो वर्ड चूज करना है जो कि यहाँ पे दिए गए वर्ड्स को अच्छे से डिफाइन कर रहा है या उसकी प्रॉपर मीनिंग बता रहा है। तो हमारा वर्ड है डेवेस्टेशन। डेवेस्टेशन की मीनिंग होती है तबाही। बहुत ही नॉर्मल से वर्ड्स यहाँ पे लिए गए हैं, डिस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, सेपरेशन एंड फ्रस्ट्रेशन। तो इन सब की मीनिंग ही आप जानते ही हैं। यहाँ पर जो डिस्ट्रक्शन है उसकी मीनिंग होती है तबाही या विनाश। बाकी के तीनों वर्ड्स बहुत ही ईजी हैं। तो आपका आंसर है डिस्ट्रक्शन। चलिए आगे बात करते हैं। आउट ऑफ फोर अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स। तो यहाँ पर आ गया हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। एन एग्जैक्ट कॉपी। एन एग्जैक्ट कॉपी की मीनिंग होती है प्रतिलिपि, यानी कि उसके जैसा। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है फैसिमाइल, ट्विन, मिरर एंड क्लोन। ट्विन की मीनिंग होती है जुड़वा, मिरर तो आता ही नहीं है, और क्लोन जो होता है वो जीन से रिलेटेड वर्ड है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन बचता है ओनली फैक्सिमिली। तो फैक्सिमिली आपका सही आंसर है। आप इसे कैसे रिलेट करेंगे, फैक्सिमिली फेस मिलता जुलता, फैक्सिमिली फेस मिलता जुलता है। तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही है। To give money to agent for sales. तो आपके options हैं salary, commission, fee and incentive. तो आप जानते ही हैं salary तब मिलती है जब आप किसी institute में proper job कर रहे हों, and commission बाद में discuss करेंगे। Fee वो होता है जो कि हम किसी institution में coaching वगैरह लेने के लिए या पढ़ने के लिए जमा करते हैं। And incentive तब मिलता है जब आप अच्छे काम करते हैं, तो आपको अलग से जो payment दी जाती है वो incentive होता है। तो यहाँ पर आपका जो answer है वो commission है। To give money to agent for sales, और ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, हम सभी जानते हैं कि इतने सारे एजेंट्स होते हैं वो कमीशन के लिए ही काम करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। Out of the four alternatives, choose the one which can be substituted for the given. ये भी वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। A person who is working in the same institution, यानी कि कैसा व्यक्ति जो कि हमारे साथ हमारे सेम इंस्टीट्यूशन में काम करता है। आपके ऑप्शन हैं गाइड, कलेक्टर, कैप्टन एंड कलीग। तो गाइड तो वो होता है जो कि हमें राइट पाथ दिखाता है, ये भी नहीं होगा। कलेक्टर जो कि कुछ भी चीज़ों को कलेक्ट करता है। कैप्टन नहीं होगा। कैप्टन मीन्स कि कहना चाहिए कि हमारे ग्रुप का हेड कौन है। तो यहाँ पर आपका आंसर है कलीग, और बहुत ही नॉर्मल सवर्ड है, आप सभी जानते हैं। चलिए आगे बात करते हैं।
आगे हमारा है, हमारा जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है वो इडियम्स का स्टार्ट हो रहा है। इन ईच ऑफ द क्वेश्चन फोर अल्टरनेटिव्स आर गिवेन फॉर द इडियम एंड फ्रेज, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग। तो चलिए देखते हैं, हमारा क्वेश्चन है कैटनैप। कैटनैप की मीनिंग होती है शॉर्ट स्लीप, तो आपको उसकी मीनिंग पता होनी चाहिए, देन आप आराम से टिक कर सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे शॉर्ट स्लीप। और आप इसे कैसे याद रखेंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एसएससी में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो हमें हर क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ ही उसे याद भी रखना है। तो कैटनैप, जैसे कि आप जानते हैं कि बिल्लियाँ बहुत लंबी, मतलब बिल्लियाँ 15 से 16 घंटे सोती हैं, अब वो इकट्ठे इतनी लंबी लंबी नींद तो लेती नहीं हैं, तो वो पूरे दिन भर में 5-10 मिनट की या 15-20 मिनट की झपके लेती रहती हैं। इस तरीके से टोटल कहा जाता है कि वो 15 to 16 आवर्स सोती हैं। तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं कि शॉर्ट स्लीप कैटनैप, या फिर ऐसे भी कि थोड़ी सी भी आवाज़ होती है तो बिल्ली तुरंत उठ जाती है, यानी कि उसकी नींद बहुत ही हल्की होती है। तो इस तरीके से आप इसे रिलेट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इडियम्स का है, टू पुल अ लॉन्ग फेस। टू पुल अ लॉन्ग फेस का मतलब होता है सैड होना। यहाँ पर आपका आंसर है लुक सैड। इसे हम लेट करेंगे, हम हिंदी में भी कहते हैं कि चेहरा क्यों लटका रखा है, और अगर आपका चेहरा लटक गया है मीन्स कि आपका चेहरा थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इस तरीके से आप लेट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, हमारा ये भी इडियम्स का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84। फिट हर लाइक अ ग्लव, यानी कि एकदम परफेक्टली उसमें फिट आना। ये चीज़ हम यूज़ करते हैं तब, जैसे कि कोई ड्रेस किसी में एकदम फिट आ जाए, या कोई भी अदर चीज़ अगर वो उसमें एकदम फिट है, एकदम परफेक्ट है, तो हम इस सेंटेंस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा परफेक्टली। चलिए आगे बात करते हैं, आगे हमारा फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। द सेंटेंस गिवन विद ब्लैंक्स आर टू बी फिल्ड विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड्स। फोर अल्टरनेटिव्स आर सजेस्टेड फॉर ईच क्वेश्चन। फॉर ईच क्वेश्चन चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स एंड क्लिक द बटन करस्पॉन्डिंग टू इट। तो हमारा क्वेश्चन है, हेल्थ इज टू इम्पॉर्टेंट टू बी। तो फ्रेंड्स, हम आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि ये इस तरह के क्वेश्चन आपको दो फॉर्म में मिल सकते हैं, या तो एक्टिव फॉर्म में या फिर पैसिव फॉर्म में। तो जब ये एक्टिव फॉर्म में होते हैं तो टू के बाद आपका जो वर्ड आता है वो होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और जब ये पैसिव फॉर्म में आते हैं तो टू के बाद बी एंड बी के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे सारे तो वर्ब के थर्ड फॉर्म में ही हैं। अब चलिए हम इन्हें पुट करके देखते हैं कि कौन कैसा साउंड कर रहा है। हेल्थ इज टू इम्पॉर्टेंट टू बी डिस्कार्डेड। डिस्कार्डेड की मीनिंग होती है रिजेक्ट करना। ये तो कोई सेंस ही नहीं दे रहा है कि हमारा हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है तो हमें उसे रिजेक्ट करना, कोई सेंस ही नहीं हो रहा है। देन डिस्पोज भी कोई वर्ड नहीं आ रहा है। एंड डिटेस्टेड भी, डिटेस्टेड की मीनिंग होती है हेट करना। एंड डिस्पोज की मीनिंग होती है कचरे को डिस्पोज करने के सेंस में हम लेते हैं। तो हमारे पास एक ही वर्ड बच रहा है नेग्लेक्टेड, और जो कि बहुत ही सूटेबल है। जैसे आप इसे पुट करेंगे आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, हेल्थ इज टू इम्पॉर्टेंट टू बी नेग्लेक्टेड। बहुत ईजीली वाला क्वेश्चन पूछा है इसमें। चलिए आगे देखते हैं, फिर वही फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर है आई एम ब्लैंक दिस क्राइम। अब हम यहाँ पर पुट करना है। तो देखिए यहाँ पे क्राइम की बात कर रही है आई एम ब्लैंक, तो हम इसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इग्नोरेंट ऑन, इग्नोरेंट ऑफ, इनोसेंट ऑफ, तो इस तरीके का आपको ऑप्शन दिख रहे हैं। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन हैं उसमें से आपको सबसे सूटेबल दिख रहा होगा इनोसेंट ऑफ, यानी कि मैं इस क्राइम के लिए निर्दोष हूँ, इनोसेंट हूँ, इग्नोरेंट का कोई मतलब नहीं होगा यहाँ पे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपको जो आंसर है वो हो रहा है आई एम इनोसेंट ऑफ दिस क्राइम, यानी कि आप बता रहे हैं कि मैं इस क्राइम के लिए निर्दोष हूँ। इंटेंडेंट की मीनिंग होती है पैसा लेना या फिर फेवर लेना, जो कि सुटेबल नहीं है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और इग्नोरेंट ऑन की मीनिंग होती है कि नॉट हैव इनफ नॉलेज, लाइक अज्ञानी बोल सकते हैं आप, तो वो भी कोई सेंस नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर आपका सुटेबल आंसर है इनोसेंट ऑफ। चलिए आगे देखते हैं, आगे भी हमारा फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। आई वॉज ब्लैंक पेइंग द टोल टैक्स। यहाँ पर टैक्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे आपको जो वर्ड दिख रहे हैं फ्री फ्रॉम एंड एग्जोनोटेड फ्रॉम, इसकी मीनिंग होती है कि किसी ब्लेम या चार्ज से मुक्त होना, तो ये वर्ड यहाँ पे सूटेबल नहीं है। एंड एक्सपोज की तो मीनिंग ही होती है किसी, मतलब एक्सपोज का मतलब होता है कि किसी छुपी हुई चीज़ को बाहर करना जो कि अभी तक अनरिवील थी, तो ये भी यहाँ पे नहीं आएगा। तो आपका जो एक आंसर बचता है वो यही है exempted from, I was exempted from paying the toll tax, जो कि normally छूट के बारे में बोला जाता है। चलिए आगे देखते हैं, हमारा question है find error का। In the following questions, one part of the sentence may have an error,
फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर, मतलब आपको इस पार्ट में बताना है कौन से पार्ट में एरर है, आपको उस पर क्लिक करना है, कोई एरर नहीं है तो आपको डी ऑप्शन पर टिक करना है। तो यहाँ पर आप देखिए ये सेंटेंस है, आई यूज्ड अ पेयर ऑफ ब्लैक ट्राउजर्स फॉर अ वीक। तो आप सबसे पहले इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक बार क्वेश्चंस को फ्लो में पढ़िए, अगर आप कहीं पर पढ़ते टाइम अटक रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस पार्ट में ही एरर है। आप देखिए यहाँ पर इसके कुछ सेंटेंस के मीनिंग इस प्रकार से है कि मैं एक हफ्ते में या एक हफ्ते के लिए अ पेयर ऑफ ब्लैक ट्राउजर्स यूज़ करता हूँ। तो करता हूँ सेंस आ रहा है एंड यहाँ पे यूज्ड फॉर्म लिखा हुआ है तो हमें इसे हटा करके यूज़ लिखना है, आई यूज़, यानी कि जो आपका रॉन्ग पार्ट है वो है आपका ए पोर्शन। तो यहाँ पर ए है जो आपका रॉन्ग है। चलिए आगे बात करते हैं, आगे भी हमारा फाइनल क्वेश्चन है, ही हैज़ मेड अ मिस्टेक ऑफ विच आई एम सर्टेन। इसे पढ़ने पर कोई भी हमें कोई भी दिक्कत नहीं हो रही, एकदम फ्लुएंसी के साथ हम पढ़ रहे हैं। ही हैज़ मेड अ मिस्टेक ऑफ विच आई एम सर्टेन। आपको वर्ब देखना है, टेंस देखना है और आर्टिकल्स देखना है, तो ये सभी चीज़ें सही फॉर्म में लिखी हुई हैं तो हमारा आंसर हो जाता है डी, यानी कि नो एरर। चलिए आगे बात करते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़िए, ही वॉज नॉट अलाउड फॉर द टीचर टू रीड इन अ लो वॉइस। अब देखिए इसकी मीनिंग अगर आप इसे ट्रांसलेट करेंगे तो ये कुछ ऐसा साउंड कर रहा है कि उसे अलाउ नहीं किया गया टीचर के लिए कि वो धीरे साउंड में पढ़े, ये कोई मीनिंग ही नहीं दे रहा है। जबकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पैसिव फॉर्म में लिखा हुआ है, वॉज के साथ में आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है, यानी कि ये पैसिव फॉर्म में है और पैसिव फॉर्म में रहता है तो हमेशा हमारा जो एजेंट होता है बाय के साथ आता है, यानी कि ये कुछ ऐसा होना चाहिए, ही वॉज नॉट अलाउड बाई द टीचर टू रीड इन अ लो वॉइस। या फिर आप इसे नॉर्मल ट्रांसलेट करेंगे तो भी आप जान जाएंगे कि इसमें बाई वर्ड आना चाहिए, तो हमारा इरर पार्ट है बी। चलिए अब हमारा क्वेश्चन आ रहा है पैसेज का। अब आपको यहाँ पे पैसेज दिया गया है और 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको उसे सॉल्व करना है। तो मैं आपको पैसेज की समरी बताती हूँ। पैसेज की समरी कुछ इस तरीके से है कि ये एक चाइनीज फैमिली के बारे में है, जो नरेटर है यानी कि जो हमें बता रहे हैं, जो नरेट कर रहे हैं, उनकी जो मम्मा है वो चाइनीज़ फैमिली से बिलोंग करती हैं और उनकी फैमिली में ये माना जाता है कि बच्चों के प्रति अपना प्यार वगैरह जो है उसे आपको खुले रूप से नहीं बताना है बल्कि प्रैक्टिकली बताना है, ये नहीं कि आपको शब्दों में बयां करना है या ओपनली इजहार करना है। आपको अगर करना भी इजहार तो प्रैक्टिकली करिए, उनकी केयर करके या किसी और तरीके से। तो इस तरीके से बताया गया है कि उनकी जो मम्मा है वो इसी नेचर की हैं, क्योंकि उनके उनके जो कल्चर में, उनके जो ट्रेडिशन में था इसी तरीके से था कि बच्चों के प्रति जो अपने प्यार का इजहार है खुल के ना करें बल्कि प्रैक्टिकली करें, और उनकी जो माँ का था यही मानना था। जबकि उनके पिता जो थे वो ओपनली अपना जो लव है वो शो करते थे, लाइक हग करना, अपने बच्चों को किस करना, और जब एग्ज़ाम में अच्छी रिजल्ट आते थे तो खुल के बधाई देना। एक बार जो नरेटर थे हमारे, उनका रिजल्ट आया तो उनकी मम्मा ने रिजल्ट देख के बस इतना कहा कि ओके आप इससे भी अच्छा कर सकते हो, जबकि उनके पापा ने उनको हक किया एंड बहुत सारी बधाइयाँ दी। तो इस तरीके का यहाँ पे पैसेज है, ये बताया गया है, इसी में इसी तरीके की मीनिंग है। तो अब चलिए देखते हैं, पैसेज सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि पहले तो आप क्वेश्चन पढ़ लें, जब क्वेश्चन पढ़ने के बाद पूरे पैसेज को पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि आपको क्या फाइंड करना है। वरना नॉर्मली हम पहले पैसेज पढ़ते हैं उसके बाद जाके हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन है हमारा पहला, द नरेटर्स मदर रिविटेड टू हर ओल्ड सेल्फ बिकॉज। चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द नरेटर नॉट बियर अ ग्रज अगेंस्ट हर मदर, यानी कि जो नरेटर था अपनी मॉम के इस तरह के बिहेव के प्रति भी क्यों, मतलब उसे गुस्सा नहीं आता था। तो यहाँ पर आपका आंसर है, सी फेल्ट दैट हर मदर हैड दैट काइंड ऑफ नेचर, मतलब कि कोई गर्ल बता रही है तो उस गर्ल का मानना था कि वो उसकी मॉम का नेचर ही है, इसलिए उसको अपनी मॉम के उस बिहेव के ऊपर गुस्सा नहीं आता था। चलिए हमारा सेकंड ऑप्शन देखते हैं, बहुत ही इजी लेवल का पैसेज लिया गया है, अगर आप और कोई भी हार्ड वर्केब इसमें यूज़ नहीं की गई है तो एक बार आप स्टोरी पढ़ लेंगे, उसके बाद आप खुद से ही सही आंसर को टिक कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नरेटर्स मदर रिवर्टेड टू हर ओल्ड सेल्फ बिकॉज।
देखिए इसमें कहानी में बताया गया है कि नरेटर की जो मॉम थी उनको उनके फादर कहा करते थे कि आप भी अपने लव को शो करिए, तो उन्होंने ट्राई किया था लेकिन वो उसमें कंफर्टेबल नहीं थी, इसलिए वो अपने पुराने नेचर में आ गई थी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने नेचर से ज़्यादा दिन तक दूर नहीं रह सकता। तो यहाँ पर आपका आंसर है सी डिड नॉट फील कम्फर्टेबल इन रिवीलिंग हर इमोशंस, क्योंकि उनके ट्रेडिशन में था कि अपने इमोशंस को आपको खुल के बयान नहीं करना है, करना भी है तो प्रैक्टिकली करिए। चलिए आगे देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द नरेटर्स मदर डिड नॉट अप्रिसिएट द नरेटर्स रिजल्ट बिकॉज, जैसा कि मैंने आपको स्टोरी में बताया था कि उनका रिजल्ट आउट होता है तो वो उतना ज़्यादा अप्रिसिएशन नहीं शो करती हैं, क्यों? क्योंकि आपको पता ही है कि वो उनके नेचर में ही था, यानी कि सी वॉज नॉट वेरी एक्सप्रेसिव। अब बाकी के आंसर देखिए, द मार्क्स वर नॉट गुड, ऐसा कहीं पर मैंसन ही नहीं है, द मार्क्स कुड बी बेटर, ये हम जज नहीं कर सकते, एंड सी वॉज टेंस, ये भी कहीं पर नहीं बताया गया है। तो आपको एक आंसर यही दिख रहा है कि सी वॉज नॉट वेरी एक्सप्रेसिव, और जो कि इसकी राइट मीनिंग भी है। चलिए आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज़ द नरेटर्स डैड डिफरेंट फ्रॉम हर मदर। तो मैंने जैसे कि बताया कि वो जो थे अपनी फीलिंग्स को ओपनली एक्सप्रेस करते थे, तो आपका आंसर है ही एक्सप्रेसेस हिज फीलिंग्स ओपनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Why was the narrator's mother not expressive of her love? तो स्टार्टिंग में ही बताया है मैंने कहानी के कि वो उनके ट्रेडिशन में था, द ट्रेडिशन एट हर होम डिड नॉट अलाउ हर, यानी कि वो जिस कल्चर में पली बढ़ी थी वहाँ का ही नेचर ही था। चलिए आगे बात करते हैं हम, अब हमें इसे क्वेश्चन मिलेंगे कि आपको अंडरलाइन करके दिया गया है, अब आपको बताना है कि इस पार्ट में क्या गलती है, और मतलब ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है, तो कोई इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है या नहीं है, नहीं है तो नो इम्प्रूवमेंट, और है तो इस पार्ट में क्या हम चेंजेस कर सकते हैं। सेंटेंस, अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज अंडरलाइन, फोर अल्टरनेटिव्स आर गिवन टू अंडरलाइन पार्ट विच विल इम्प्रूव द सेंटेंस, चूज द करेक्ट alternatives and click the button corresponding to it. In case no improvement is needed, click the button corresponding to no improvement. चलिए देखते हैं, both of us had a different opinion about it. अब देखिए यहाँ पर opinion की बात की गई है और यहाँ पर word आ रहा है both. तो both से हम जान रहे हैं कि both जो होता है वो मिला के कहना चाहिए कि एक साथ मिला हुआ होता है, जबकि यहाँ पे ओपिनियन तो अलग अलग होता है, अलग अलग लोगों का अलग अलग ओपिनियन होता है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रत्येक या फिर ईच वर्ड आना चाहिए। तो आपका आंसर है ईच ऑफ अस हैड अ डिफरेंट ओपिनियन अबाउट इट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, द ट्रेड यूनियन इज हेल बेंट एट गेटिंग इट्स डिमांड फुलफिल्ड। यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं हेल बेंट इन, हेल बेंट अबाउट, हेल बेंट ऑन एंड नो इम्प्रूवमेंट। तो आपका आंसर है हेल बेंट ऑन। बेंट ऑन की मीनिंग होती है टू बी डिटरमाइंड, एकदम पक्का इरादा। द ट्रेड यूनियन इज हेल बेंट ऑन गेटिंग इट्स डिमांड फुलफिल्ड। तो आपका यहाँ पर आंसर है हेल बेंट ऑन। चलिए आगे देखते हैं, और हाँ फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है हमारा हेल बेंट ऑन का, ये फ्रेजल वर्ब, मतलब बेंट ऑन जो फ्रेजल वर्ब है, ये कई बार पूछा जा चुका है, लगभग 1997 के पेपर से ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, SSC ने काफ़ी सारे क्वेश्चन इससे पूछे हैं, तो इस फ्रेजल वर्ब पर थोड़ा वर्क कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द पुलिस हैड टू ब्रेक द डोर टू गेट इन। अब देखिए यहाँ पर आपके फ्रेजल वर्ब दिए हुए हैं ब्रेकअप, ब्रेकअप हम सभी जानते हैं कि इस रिलेशनशिप का एंड, मतलब कि ये तो नहीं होगा। ब्रेक इन का मतलब होता है कि जबरन किसी गलत कार्य से किसी के घर में घुसना, जैसे कि चोर वगैरह घुसते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए टू ब्रेक डाउन, टू ब्रेक डाउन का मतलब होता है कि किसी पर्पज से अंदर जाना, जैसे कि पुलिस वगैरह जाती है। तो आपको यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है टू ब्रेक डाउन, द पुलिस हैड टू ब्रेक डाउन द डोर टू गेट इन। चलिए आगे बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लेन लैंडेड एंड शॉट टूअर्स द एयरपोर्ट। अब देखिए शॉट की मीनिंग होती है फायर करना या फिर दागना या फिर लक्ष्य, तो यहाँ पे शॉट तो हमारा आंसर होगा नहीं। ड्रो की मीनिंग होती है ड्राइव करना, इसका सेकेंड फॉर्म है। व्हील की मीनिंग होती है पुल करना या धक्का देना। अब धक्के मार के तो एरोप्लेन को चलाएंगे नहीं, और तो यहाँ पर हमारा आंसर बचता है टैक्सिट। टैक्सिट जो है वो, टैक्सी जो है वो नाउन वर्ड है, नाउन की मीनिंग होती है टैक्सी वाले फॉर्म की, एक जगह से दूसरी जगह जाना। जबकि जब ये टैक्सी एज अ वर्ब काम करता है तो इसका मीनिंग होता है मूवमेंट ऑफ प्लेन बिफोर टेक ऑफ और आफ्टर लैंडिंग, यानी कि जो नॉर्मली हम कहते हैं कि हवाई पट्टी पर चलना। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा द प्लेन लैंडेड एंड टैक्सी टूवर्ड्स द एयरपोर्ट।
इसलिए आपको इन सभी के मीनिंग्स पता होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर अ हार्ड डेज वर्क आई जस्ट वॉन्ट टू गो होम। अब देखिए आपको यहाँ पे इधर समझ में आ रहा है, यहाँ पे ए सिंगुलर यूज़ किया गया है और डेज, तो मतलब ये तो नहीं होगा हमारा कि ए के साथ में प्लूरल वर्ड लग रहा है और इसकी मीनिंग कुछ क्लियर नहीं आ रही है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर एपोस्ट्रॉफ देखना है, एपोस्ट्रॉफ की यूज़ होगी यहाँ पर। और हम ये भी जानते हैं कि दो नाउन तब तक एक साथ नहीं आते हैं जब तक कि वो कंपाउंड ना हो या फिर पहला नाउन एज एडजेक्टिव वर्क ना कर रहा हो। अब यहाँ पे आपको दो नाउन देखने को मिल रहे हैं, डेज और वर्क। अब ये तो कोई सेंस नहीं दे रहा है, जैसे कि मैं कहूँ गीता ड्रेस, गीता ड्रेस तो कोई सेंस नहीं दे रहा है, हमें यहाँ पे एपोस्ट्रॉफ लगाना पड़ेगा गीताज ड्रेस। तो यहाँ पे कुछ इसी तरीके का काम हमें करना है। तो आपका आंसर है हार्ड डेज वर्क, यानी कि आपको एपोस्ट्रॉफ के साथ में यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पर हमारा ए सिंगुलर है इसलिए हम डे के बाद में एपोस्ट्रॉफ लगाएंगे। अगर हमें प्लूरल नाउन होता हमारा तो हम डेज के बाद में एपोस्ट्रॉफ साइन लगाते, और यहाँ पर हम एपोस्ट्रॉफ एस लगा रहे हैं। होप सो फ्रेंड आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और आज का सेशन आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहा होगा। सो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का जीके टॉपिक, होप सो यू लाइक इट एंजॉय इट। फ्रेंड्स अगर आपको सारी चीज़ें याद हो गई हैं तो लाइक बटन पर क्लिक करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर लें एंड अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।